कांग्रेस नेताओं ने पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सतपाल महाराज के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 7 करोड़ की लागत से माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है, परंतु कार्य की धीमी गति और खराब गुणवत्ता का खामियाजा मसूरी की जनता भुगत रही है। कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि मसूरी में जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मसूरी में कभी बिजली पानी की समस्या नहीं थी, लेकिन भाजपा के शासन काल में नागरिकों को बिजली पानी की समस्या हो रही है। भाजपा ने मसूरी के इतिहास को मिटाने की साजिश रची है। कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि अगर तय समय पर माल रोड के कार्य को पूरा नहीं किया गया और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्टी जल्द मसूरी में भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करेगी। आज यमुना का पानी कहाँ है? वो जनता के पास यमुना का पानी, जनता आज भी पानी के लिए तरस रही है। कहाँ है वो डीनोटिफाइड नोटिफाइड का सर्वे? क्यों आज तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? वन टाइम सेटलमेंट का गाना उन्होंने 10 साल से गा रहे हैं, कहाँ है वो मसूरी के लिए वन टाइम सेटलमेंट? कहाँ है वो मसूरी का वेंडर जोन जिसके लिए लगातार वो घोषणा करते रहते हैं, कभी रिबन काट देते हैं, भिलाड़ू स्टेडियम का रिबन काट देते हैं, शिलान्यास कर देते हैं। अरे भाई, धरातल पे तो हमें कोई काम दिखा दो कि हमने मसूरी के लिए ये कार्य किया है। 12 साल में क्या दिया आपने हमको? ये तमाम तरीके की जितनी सुविधाएं असुविधाएं यहाँ जनता को हो रही है, इन सब के लिए ये भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। यहाँ के गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जिम्मेदार हैं। उनसे हमारे 12 सवाल हैं कि शीघ्र से शीघ्र इन सवालों का निराकरण किया जाए, अन्यथा मजबूर होकर कांग्रेस जो सड़क पे उतरेगी और आपका मसूरी में आने पर आपको घेराव भी करेगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।